फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो स्कूल्स बंद होने के कारण हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि वो उनके लिए प्रोडक्टिव हो और कुछ बच्चे उसमें एंगेज रहें। तो हर पेरेंट की यही कंसर्न है आज के टाइम में कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है इस टाइम पे, खाली है, बस खेल रहा है, तो कहीं वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो खराब ना हो जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी एक सीरीज स्टार्ट की थी किड्स लर्निंग एट होम करके। उसकी मैंने 2 वीडियोज अब तक अपलोड कर दी हैं। उसमें फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें आप बच्चों से नेम वगैरह पूछते हो और कैसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो। उसके बाद सेकंड वीडियो थी क्राफ्ट एक्टिविटी, जो नर्सरी और केजी के बच्चों को आप करा सकते हो घर में ही और घर के ही सामान से। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 1 के लिए, यानी आप क्लास 1 के बच्चों को कैसे घर के ही सामान से एक्टिविटी को करा सकते हो। तो इस एक्टिविटी में हम बनाएंगे वीविंग मैट। वीविंग मैट इस तरह का होता है, आपके ऊपर है कि आप साइज कैसा करवाओ, बड़ा छोटा। मैंने छोटा से बनाया क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को दिखाना था। दूसरी चीज़, ये मैट बनाने के बाद मैंने इसको टेप से लैमिनेट कर लिया है ताकि मैं इसको रीयूज कर सकूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, टेबल पर रख सकती हूँ उसको, इसके ऊपर कप्स वगैरह भी रख सकती हूँ, तो ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी काम आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम वीविंग मैट बनाना कैसे है। तो आपको घर में ही शीट चाहिए, एक शीट होगी और साथ साथ 2 कलरफुल शीट्स और चाहिए। उसकी आपको क्या करनी है, ऐसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो आपको एक शीट लेकर, अगर आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी कट करिए, थोड़ा सा काम आपको कर देना पड़ेगा बच्चों को। फिर आप बच्चों को जो है गाइड करोगे, उनको इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर वो अपने आप ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट का बच्चा है, वो अपने आप कर सकता है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे फोल्ड कर और ऊपर से थोड़ा थोड़ा 1-1 उसका सेंटीमीटर का स्पेस छोड़कर आपको कट करनी है। तो आप कट करोगे तो ऐसे ऐसे आपको कट करना है और ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। ये देखिए, ये स्पेस ऊपर से छोड़ना है, ऐसे यहाँ पे आप कटिंग्स करते जाओगे। कटिंग अगर आप चाहें तो आप बच्चों से भी करवा सकते हो, लेकिन आप उनके साथ ही बैठना और साथ में बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली सीजर देना, क्योंकि जो बिग सीजर्स होती है बच्चे के हैंड्स वगैरह पे कट लग सकता है, तो उसको अवॉइड करिए और बच्चों को या तो खुद कट करके दिए या फिर उनको चाइल्ड फ्रेंडली सीजर दीजिए। तो अब है ये ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे आने के बाद ये आपका आधा वीविंग मैट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि ये स्ट्रिप लेनी है, और अगर आप फर्स्ट टाइम में ऊपर रखना चाहते हो तो बच्चा ऊपर रखेगा, देन बच्चे को इसके अंदर ऐसे इसके अंदर डालकर फिर करना है। उसके बाद ये सारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, बच्चा जो है इसके अंदर डालेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे अंदर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर अंदर आएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ एक स्टेप। उसके बाद आपको ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप किस टाइप के कलर्स बच्चे को देना चाहते हो। अगर आपको कलरफुल बनवाना है आप कलरफुल बनवा सकते हो पूरा, और आपको सिंगल कलर का बनाना है आप सिंगल कलर का बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये देखिए, ये एक फर्स्ट तैयार हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फेविकॉल की ड्रॉप लगानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर है, फिर मेरा इसके अंदर पिंक कलर अंदर आया, फिर ऊपर आया, फिर अंदर आया, फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर। तो इस टाइप से बच्चा जो है पूरा पूरा इसको रेडी कर लेगा और ये कुछ इस टाइप का बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर यूज़ करो। अब ये होने के बाद, जैसे मैंने इतना कर लिया, सपोज ये मैंने सारी स्ट्रिप्स लगा ली है, इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा बचा है उसको कट कर देना है। तो जब आप कट कर दोगे तो आपको इस सारे जो कॉर्नर्स हैं इनको फेविकॉल से फिक्स करना है। जब आप फेविकॉल से फिक्स कर दोगे पूरा रेडी हो जाएगा। आपको ये वाली ब्रॉड टेप लेनी है, ब्रॉड टेप से आप इसको पूरे ऊपर टेपिंग कर सकती हो ताकि आपका लैमिनेट हो जाए। तो ये था हमारा वीविंग मैट जो हम क्लास 1 के बच्चों को करा सकते हैं और काफ़ी ईजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।